आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सिविल वॉर होगा, वो बैंकरप्ट हो जाएगा, मिलिट्री बर्बाद हो जाएगी, परमाणु हथियारों पर कब्जा कर लिया जाएगा और पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये बात किसी भाजपा नेता या संघ के कार्यकर्ता ने नहीं कही है, ये बातें कही हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने। आखिर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बट जाएगा? पाकिस्तान में जो राजनीतिक और सामाजिक हालात बने हुए हैं, जो आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है, उसके बीच में इमरान खान का ये बयान किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफी है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री इमरान खान के इस बयान का मतलब समझने की कोशिश करेंगे और हम ये जानेंगे कि क्या सच में पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंटने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इस बयान का मतलब समझने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान के पहले की राजनीति को समझना जरूरी है। नवाज शरीफ के जाने के बाद जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो एक बड़े तबके का कहना था कि उन्हें किसी और ने नहीं, सेना ने लाके यहाँ पे बिठाया है। ये विवाद ये लगातार चलता रहा, लेकिन उसके बाद अचानक किसी कारण से इमरान खान की पाकिस्तानी सेना से अनबन हो गई, जिसके बाद इमरान खान को पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा और 5 साल सरकार के उनके पूरे होने ही वाले थे, उससे पहले उनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। उसके बाद अप्रैल में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनकर सामने आए। शहबाज शरीफ के आने के तुरंत बाद इमरान खान ने कहा कि ये यूएस की तरफ से अमेरिका की साजिश है उनकी सरकार को हटाने की। इसके बाद सरकार तो चली गई, लेकिन इमरान खान चुपचाप नहीं बैठे। इमरान खान ने आज़ादी मार्च बुलाया। इमरान खान ने उनके जितने समर्थक हैं, जितने सपोर्टर हैं, सबसे कहा कि भाई साहब सड़कों पे आओ और कहो कि चुनाव करवाए जाएं तुरंत, अगर चुनाव नहीं करवाए गए तो आंदोलन किए जाएंगे। इसके बाद इमरान खान के समर्थक आज़ादी मार्च के नाम पर सड़कों पर आए। सड़कों पर आए तो ऐसे नहीं, पेड़ जला दिए गए, पुलिस के ऊपर हमला किया गया और तो और पूरे के पूरे इस्लामाबाद को घेरने की कोशिश की गई। हालात ऐसे बने थे कि उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि ये सिविल वॉर के ही हालात हैं। वैसे सुनिए इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू पर हंगामा मचा हुआ है, जो बयान है इमरान खान का, उस बयान में इमरान खान ने सिविल वॉर को लेकर क्या कहा है। जो बोतल से जिन निकला है ना, अब ये वापस नहीं जाने लगा, अब ये कैसे अपने पहुंचेगा ये अब हमने देखना है कि हमें ये क्या हमें आईनी तौर पे हमें उस तरफ जाने देंगे या नहीं। नहीं तो फिर देखिए ये तो मूर्खाना जंगी की तरफ चल निकल जाएगा। अगर आप आईनी दरवाजे बंद कर देंगे तो ये एक्सेप्ट तो करना नहीं है कौम ने इनको। इमरान खान कह रहे हैं कि जिन बोतल से बाहर निकल गया है, इसको वापस बंद नहीं किया जा सकता। इमरान खान का सीधा सीधा कहना है कि अगर पाकिस्तान में दोबारा चुनाव जल्द से जल्द नहीं करवाए गए, तुरंत चुनाव की घोषणा नहीं करवाई गई, तो पाकिस्तान में सिविल वॉर हो जाएगा। इसके बाद इमरान खान इंटरव्यू में और आगे बात करते हैं और वो एक क्रोनोलॉजी में बताते हैं कि अगर शहबाज शरीफ की सरकार बनी रही तो क्या होगा। इमरान खान कहते हैं कि सबसे पहले तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, उसके बाद सेना कमजोर हो जाएगी, और जैसे ही सेना कमजोर होगी, जैसा यूक्रेन के साथ हुआ, वैसे ही पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियार सरेंडर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा इस्लामी देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं, और उसके बाद पाकिस्तान 3 टुकड़ों में टूट जाएगा। सुनिए इमरान खान ने क्या कहा। एस्टैब्लिशमेंट का मसला, अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना, ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट चीज़ें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्ट से जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको
हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटेरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के तीन हिस्से। अब पाकिस्तान के टूटने की बात, पाकिस्तान के तीन टुकड़ों में टूटने की बात कोई नहीं है। इससे पहले भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में कहते रहे हैं। अब इसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण, सरकार कमज़ोर है, लोगों के बीच में अविश्वास बहुत ज़्यादा है, और भ्रष्टाचार के कारण। हमेशा से संभावना जताई जाती रही है कि पाकिस्तान सिंध, बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान नाम के तीन टुकड़ों में टूट सकता है। इससे पहले भी 1971 में हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश अलग हुआ। अलग होने के बाद बांग्लादेश में शांति है, बांग्लादेश ग्रो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी स्थितियां वही बनी हुई हैं। कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती, आर्मी हर बार बीच में इंटरफेयर करती है, और बीते कुछ समय में जब से खास करके गई है इमरान खान की सरकार और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन के आए हैं, तब से आप देखिए तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बहुत गड़बड़ाए हुए हैं। अभी पाकिस्तान के ऊपर 90.6 बिलियन डॉलर का कर्ज है, 90.6 बिलियन डॉलर, और ये तब जब पाकिस्तान की पूरी जो इकोनॉमी है वो 280 बिलियन डॉलर की है। यानी जितने की जीडीपी है उनकी, उसका एक तिहाई तो भाई साहब ये लोग कर्जा लेके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसके पास जो रिजर्व है, यानी कि जो पैसा बचा के रखा जाता है कि देश के काम आएगा, वो है 10.308 बिलियन डॉलर। इतना पैसा बचा है मतलब कि अगर वो अभी सामान जितना एक्सपोर्ट करते हैं मात्र दो महीने, लगभग दो महीने, 1.54 महीने के एक्सपोर्ट का पैसा उनके पास बचा है। उसके बाद क्या करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। शहबाज शरीफ लगातार दौरे कर रहे हैं, सऊदी अरबिया ने कुछ मदद की है, और भी देशों के पास जा रहे हैं कि मदद कर दो। इस बीच में आईएमएफ ने, आईएमएफ एक 6 मिलियन डॉलर का मदद देने वाला था, लेकिन आईएमएफ ने उसके लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आईएमएफ ने कुछ शर्तें रखी हैं और वो शर्तें पाकिस्तान पूरा नहीं कर पा रहा। शहबाज शरीफ ने एक साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपए बढ़ाए हैं, 30 रुपए। ऊपर से पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में और डला है, जिसके कारण निवेश नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ाई हुई है, और जब किसी भी देश की इकोनॉमिक स्थिति गड़बड़ाती है तो उसके सर सामाजिक स्थिति पर पड़ता है, और खास करके इमरान खान के कारण ये जो राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है, आप स्थिति देखिए कि पंजाब में प्रोविंस है खैबर पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं महमूद खान। महमूद खान पीटीआई के हैं, इमरान खान की पार्टी के हैं। महमूद खान ने अभी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी जो सेना है, उनकी स्टेट की सेना है, उसको साथ लेके इमरान खान की मदद करेंगे आज़ादी मार्च में, और ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद पर हमला भी करेंगे। किसी देश के एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि अपने फोर्सेस का इस्तेमाल राजधानी के खिलाफ, यानी देश की सेना देश के फोर्सेस के खिलाफ करेगा। सोचिए स्थिति कितनी विध्वंसक है। और इन सब में सोने में सुहागा और हो जाता है बलूचिस्तान में, गरीबी में आटा गीला, माफ कीजिएगा। बलूचिस्तान में लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। बलूचिस्तान में पिछले 5 महीने में 20 से ज़्यादा हमले हुए हैं, और इन हमलों में 80 सुरक्षाकर्मियों की जान गई है, 80 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। बलूचिस्तान बड़ा मिनरल रिच प्लेस है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान से ज़्यादा संसाधन मिलते हैं, लेकिन खास करके अभी जब पाकिस्तान ने चाइना को सीपैक का परमिशन दे दिया है, सीपैक के प्रोजेक्ट्स बनाने के परमिशन दे दिए, उसके बाद से बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं, क्योंकि चीनी लोग आते हैं वहाँ पे, लड़कियाँ उठा के ले जा रहे हैं, जो सड़कों पर जो बोर्ड्स लग रहे हैं वो चाइनीज में लग रहे हैं, ना कि बलूचिस्तान की भाषा में। इसके कारण बलूचिस्तान के लोग नाराज़ हैं। बलूचिस्तान में लगातार ये मूवमेंट चल रहा है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। सिंध में कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा है क्योंकि वहाँ पर आतंकवादी घटनाएँ लगातार बढ़ रही थी, उनको रोकने के लिए वहाँ पर सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुए थे, लगातार ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद से सिंध में कर्फ्यू लगाया गया है। इन सारी स्थितियों को देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि इमरान खान जो बोल रहे हैं कोई अतिशयोक्ति है। इमरान खान जो बोल रहे हैं वो हो नहीं सकता। इमरान खान की बात में थोड़ा तो दम है।
लेकिन इन सब के बीच जो शहबाज शरीफ हैं वो भी तुर्की में थे, उन्होंने वहां से बयान भी दिया है, कहा है कि इमरान खान को देश के विरोध में राजनीति नहीं करनी चाहिए। खैर आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन पाकिस्तान से अपडेटेड रहना ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान की हरकतों का सीधा असर भारत पर पड़ता है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या पाकिस्तान एक देश होगा या तीन हिस्सों में बट जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे हैं, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।